मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 2 दिसंबर 2021, ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्मभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न: देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? उत्तर: अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। आज का गीत। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्माभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्माभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वे दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। ये शरीर तो यहाँ लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड अर्थात शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परमपिता परमात्मा भी सत्य है चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं।
देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वे कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है, फिर कहते मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाले सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वे कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, वे भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक, रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है, देही अभिमानी बनने से दिन रात तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है, भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है, याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी, वहाँ आत्माभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देते हैं। अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना। अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, बाकी तो सब हैं भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में, ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे, उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं, मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं।
पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़े ही हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं, अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे, अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये दूसरा कोई समझा न सके, तुम ही समझा सकते हो। ये तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं, मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सत्युग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं ये भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार हैं। परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते माफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगड़ विकर्म विनाश हो ना सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भावा। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है।
परंतु देह अभिमान के कारण आत्मभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर वन ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आपे ही सुलटा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़े ही आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि ये भक्ति और ये ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा बच्चों उन्होंने बाप दादा का याद किया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। तुझको पुकारी मेरा प्यार हो, तुझको पुकारी मेरा प्यार, बाबा मैं तो निहारू तेरी रारी, तुझको पुकारी मेरा प्यार। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो देख रहे
तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त पी के सजन फिर एक बार हाजिर हो चुका हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर। तो आज है 2/12/2021, देखिए महीने का दूसरा दिन भी आ पहुँचा है और आपका पुरुषार्थ भी दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वक्त की समीपता को देखते हुए, वक्त को देखते हुए थोड़ी अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाएं और तीव्र पुरुषार्थ करने में आप सभी लग जाए। तो चलिए करते हैं प्यारी सी शुरुआत आपके अपने फेवरेट शो की। तो रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न, अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है क्या तो विनाश होना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है शरीर, ऑप्शन बी दुनिया, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी तत्व। एंड योर टाइम स्टार्ट। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन है शरीर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले प्रश्न का दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, पहली सीढ़ी चढ़ ली और 10 पॉइंट्स अपने जेब में आपने रख लिए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, 10 गुना बधाई आपको मिल चुकी है, आपने पहली सीढ़ी तो पार कर ली है। तो चलिए बढ़ते आगे, बढ़ाते एक कदम और रखते आपके सामने दूसरा प्रश्न। पिंड शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, क्या आती है? चार ऑप्शन, ऑप्शन है आत्मा, ऑप्शन बी रूह, ऑप्शन सी चैतन्यता, ऑप्शन डी ऊर्जा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी चैतन्यता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बढ़ते आगे रखते तीसरा सवाल। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात क्या बनते हो? चार ऑप्शन, ऑप्शन है महाराजा महारानी, ऑप्शन डी गॉड गॉडेस, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी प्रिंस प्रिंसेस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन बी गॉड गॉडेस। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है आप सभी को, कर दिखाया है कमाल आपने। तीसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो आप तो बिल्कुल आत्मानी स्थिति में स्थित है और कर रहे हैं कमाल। तो यूं ही करते रहिए कमाल और आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। बढ़ते आगे रखते चौथा प्रश्न। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब क्या कह गए? चार ऑप्शन, ऑप्शन है शिवोहम, शिवोहम, ऑप्शन बी पाप सर्वव्यापी है, ऑप्शन सी हम सो सोहम, ऑप्शन डी नेति नेति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी नीति नीति। तो बधाई हो,
बधाई हो बधाई हो। बढ़ते आगे रखते पांचवा प्रश्न। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, खड़ी खड़ी कौन देह अभिमान बना देती देता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है रावण, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी विकार, ऑप्शन डी अहंकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी माया। तो मुबारक हो, मुबारक हो। 50% खेल तो पूरा हो चला है। बिल्कुल बढ़िया, लाजवाब खेल अभी तक चला है। जिस उमंग, उत्साह और दृढ़ता की शक्ति के साथ आप आगे बढ़े हैं, तो सफलता आपके कदमों पर आप पहुंची है। बस यूं ही उमंग उत्साह बनाए रखिएगा, दृढ़ता की शक्ति को धारण किए रहिएगा और आने वाले 5 प्रश्नों का भी फिर दीजिएगा सही जवाब। तो बढ़ाते हैं कदम, रखते हैं छठवां प्रश्न। बाबा कहते हैं पतित शरीर में ही बाप आते हैं, किसके शरीर में थोड़े ही आएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी देवी देवता, ऑप्शन सी स्वर्गवासियों, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे 7वां सवाल, ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में कौन नया खड़ा है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी नारायण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन से विष्णु। तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं मुबारकें कि आपने कर दिखाया है कमाल और दिया है फिर से सही जवाब। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां सवाल। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु किसके मुआफिक हो जाता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मियां मिट्टू, ऑप्शन सी तोते, ऑप्शन डी कबूतर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन सी तोते। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और फिर एक बार बधाइयाँ। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न हो गए हैं आप पॉइंट्स इकट्ठा करते, तो आपको मिलता है सिल्वर क्राउन, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही कहाँ जाएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ऊंचे, ऑप्शन बी माला के दानों में, ऑप्शन सी अष्ट रत्नों में, ऑप्शन डी नंबर 1 ऊपर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी नंबर 1 ऊपर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भक्ति का फल मिला है भगवान, और उसमें भी जिसने जास्ती भक्ति करी है वो नंबर 1 में ऊपर जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारकें कि आपने फिर एक बार 10 पॉइंट्स कमाए और 90 पॉइंट्स इकट्ठा कर गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए अभी भी बधाइयों के साथ बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम सवाल। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे डैश वाली शक्तिशाली आत्मा। बोनस प्रश्न आपके लिए आ चुका है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कृत, ऑप्शन बी विलपार, ऑप्शन सी एकाग्र चित्त, ऑप्शन डी नामी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त फिर समाप्त साइज ऑप्शन में विल पावर तो बज उठी है तालियां पूरे पावर ऑफ सकाश के टीम की तरफ से आप सभी के लिए तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो मुबारक है आप सभी को कि आपने कर दिखाया है कमाल और फिर से एक बार आप जीत चुके हैं ताज। अगर आपके पास 80 90 और 100 पॉइंट्स हैं तो आप ताज धारी बन चुके हैं तो बधाई हो बधाई हो और बधाई हो बहुत बहुत बधाइयाँ। अनुभव करें स्वयं बाप दादा आपके सामने विराजमान हुए हैं और आपको बड़े ही प्यार से शक्तियों से संपन्न करते हुए मास्टर मुरलीधर का ताज पहना रहे हैं। साथ ही साथ ये सुंदर सी ट्रॉफी भी आपको दे रहे हैं तो बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां और बधाइयां दिल की दुआएं मुबारकें तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो चलिए बहुत सारी बधाइयां लिए आप भी दिल से भगवान को करें धन्यवाद और शक्तियों से हो जाएं संपन्न। तो अच्छा हमें दीजिए छुट्टी हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही खुश रहते हुए खुशियां बांटते रहिएगा। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाप दादा की आश पावर ऑफ सकाश जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स योग भट्टी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।